अब बनाओ मेथड है लॉगआउट नाम का, लॉगआउट, नीचे आ जाओ, लॉगआउट, बड़ा सिंपल, स्टैटिक लॉगआउट जैसे बनाते हो। कहाँ चला गया शिखर? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लो ना, स्टैटिक लॉगआउट इक्वल पासिंग एरो कन RQRES कर लिया केस, सिंपल ट्राई कैच लगा लो। एरर कंसोल में अब लिखो आरईएस डॉट, सिंपल आरईएस डॉट रिडायरेक्ट, वापस से लॉगिन पहुंचा देना। फंक्शंस है सिंगल में लॉगिन, स्लैश लॉगिन, ठीक है। अब जाओ बनाओ का राउट, बनाओ ना। कहाँ गए वो, कहाँ काम कर रहे थे? ऊपर काम कर रहे थे ना, जहां काम कर रहे सर। अभी बनाओ, अभी बनाओ नीचे 25 पे राउटर डॉट गेट, देखो सिंपल कोड स्लैश लॉग आउट, अब कॉमा, लॉग आउट नाम का मेथड। पहले इनको अच्छा दिखा दो, आप लोड कर रहा पहले मेथड दिखाओ, मेथड को मेथड पहले मेथड दिखाओ, फिर उनको राउट दिखा देना।
हाँ इतना काम हो गया सब लोगों का, अब फ्रंट एंड पे आ जाओ। जिसने लगा रखा ना लॉगआउट, ऐसा भी लगा ले, दिखा रहे इनको, इनको फ्रंट एंड दिखा देना, फ्रंट एंड एक बार देखो कहाँ लगाना है बटन, ये सब देख लो। ओपन करना एडमिन डैशबोर्ड, ओपन करो लॉगिन करने के बाद। हाँ लॉगिन करना। लॉगिन करो, लॉगिन सिंपल। हाँ देखो सब दिखना नीचे, यहाँ पे देखो साइड बार में सब देखे, यहाँ पे साइड बार नीचे नीचे दिखा सबको लॉगआउट। नीचे देखो सब लोग नीचे, ये नीचे इस पे, यहाँ पे बना, यहाँ पे लगा लो बटन, यहाँ पे लगा लो एंकर टैग, लगा लो एंकर टैग, लगा लो यहाँ स्लैश लॉगआउट, सब लगा लेना। डैशबोर्ड में जाके लगा लो सब लोग, डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे लॉगआउट लगाए, ठीक है लगाए, सब देख ले यहाँ पे लॉगआउट लगा हुआ है ये। अब एक बार लॉगआउट करना, देखो सब लोग लॉगआउट हो गया, फिर लॉगिन करो, देखो लॉगिन भी हो गया और लॉगआउट भी हो रहा है। एक बार इनको दिखाओ, आप लोग इतना ट्राई करें से, तब तक आप लोग जो अलग काम करें, फिर आगे और समझाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया, ये डाल देना ओके, डाल देना ओके लिखा हुआ, ओके डाल देना लिखा हुआ, ओके भी क्लिक कर दो, बता दो उसको। अब देखो ये है लॉगिन हो गया, आपका डैशबोर्ड खुल गया, वो ऊपर यूआरएल कॉपी कर लेना। हाँ ये यूआरएल कॉपी कर लो। अब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं। अब तो हमने यूआरएल कॉपी कर लिया और लॉग आउट कर दो, ने लॉग आउट कर दो और न्यू टैब पे जाओ, ने न्यू प्लस पे पेस्ट करो, यहां से एंटर दो, देखो ओपन हो गया है। तो फिर लॉगिन का मतलब क्या रहा, समझ आ रहा है सबको, ये तो बिना लॉगिन के भी खुल गया ना एडमिन वाला पार्ट। फिर लॉगिन का क्या मतलब रहा बताने का, हमारे आने समझ आ गई सबको। हमने अभी सिक्योरिटी यस पर, सर। इसके अंदर हमने कोई टोकन जनरेट नहीं किया इसके अंदर अभी, और हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी है ना, और जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसका नाम भी आना चाहिए उठ के, जैसे फेसबुक में आता है ना जब लॉगिन करते हैं तो नाम आ जाएगा वेलकम टू फलाना ढिकाना जो आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना होगा, जो बंदा लॉगिन कर रहा है ना, जो बंदा लॉगिन कर रहा है उस, जब वो लॉगिन करेगा तो हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करवाएंगे। जब बंदा लॉगिन करेगा ना तो लॉगिन करते टाइम पे हमें क्या करना होगा, एक टोकन जनरेट कराना होगा। टोकन मतलब टोकन बनेगा किससे, यूजर की, जो बंदा लॉगिन कर रहा होगा ना उसकी आईडी से, उसकी आईडी से, जो बंदा लॉगिन कर रहा होगा ना उसकी आईडी ले लेंगे और एक सीक्रेट की बना लेंगे अपन, कुछ भी उन दोनों को मिक्स करके हम एक टोकन जनरेट करवा लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेगा ना, उसने डाला ईमेल आईडी पासवर्ड, हमने उसका पूरा वेरीफाई कर लिया लॉगिन है कि नहीं है, ठीक है वेरीफाई हो गया, और फिर हम क्या करेंगे उसका टोकन जनरेट करा देंगे। तो क्या होगा, लॉगिन करते टाइम पे हम उसका टोकन जनरेट कराएंगे और उस टोकन को हम ब्राउजर में स्टोर कर लेंगे। जैसे आप लोग देखा होगा कि जैसे अभी ये शिखर है, शिखर ने अगर यहाँ पे अमेजोन ओपन कर रखा होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट फेसबुक, तो आपके बाय डिफॉल्ट लॉगिन होगा, होता नहीं होता है, देखो सबको दिख रहा है ना लॉगिन है उसका पहले से, है लॉगिन क्या। देखो लॉगिन है, सबको दिख रहा है पहले से लॉगिन है इसका, और इसके दो कार्ड भी दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं दो कार्ड इसके लॉगिन है तो, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ जी यूआरएल कॉपी करना, ना जी ऊपर यूआरएल कॉपी करो, यूआरएल पूरा, और कंट्रोल शिफ्ट एन करो, कंट्रोल शिफ्ट एन यहाँ पेस्ट करो, यहाँ दिख रहा है क्या तुम्हारा लॉगिन करना, ना देखो सब लोग यहाँ मना कर रहा है ना वो,
यहां कार्ड क्या दिखा रहा है, जीरो, और लॉगिन नहीं है इसका यहां पे अकाउंट। इसका अकाउंट कहां पे लॉगिन है, क्रोम वाले ब्राउजर पे, समझ आ रहा है सब लोग। और वहीं पे ऐड टू कार्ड दिखा रहा है, कार्ड दिखा रहा है सब कुछ, और जैसे इसने दूसरे ब्राउजर पे खोला तो वहां पे तो कुछ है नहीं, वो नया आ रहा है। तो जब इसने लॉग इन किया था तो उस टाइम पे जो टोकन जनरेट हुआ होगा वो उसी ब्राउजर में हुआ होगा जनरेट, समझा रहा है। हम जो टोकन जनरेट कराते हैं उसी को उस ब्राउजर में स्टोर कर देते हैं, जैसे ये अमेजोन खुला हुआ ना इसका अमेजोन जी, इसी में जब इसने लॉग इन किया होगा तो लॉग इन करते टाइम पे क्या हुआ होगा, एक टोकन जनरेट हुआ होगा और टोकन को इसी ब्राउजर में स्टोर कर दिया गया होगा। तो जब भी शिखर इस पे इस ब्राउजर पे ओपन करेगा तो उसको लॉगिन दिखेगा, उसको कार्ड दिखेगा, मगर शिखर जब दूसरे ब्राउजर पर जाएगा है ना, वहां पर नहीं दिखेगा उसको, है ना। ये तो सिक्योरिटी है, ऐसे तो ये कहीं भी कुछ भी खोल लेगा, बस समझ आ रहा है। अब शिखर एक काम करना है जी, यूआरएल कॉपी करो, जो तुम्हारा यूआरएल ना लॉगिन करने के बाद इसको लॉग आउट कर दो, या इस पर ना अकाउंट पे आना, रुको अकाउंट पे आना, अकाउंट पे अपने अकाउंट पे आओ, अपने अकाउंट पे जाना, किसी भी क्लिक कर लो, इस पे क्लिक करना, योर ऑर्डर पे, योर ऑर्डर पे क्लिक कर लो, ठीक है। अब जी यूआरएल कॉपी कर लो, आप जी यूआरएल कॉपी कर लो। अब शिखर ने यहां से कर दिया लॉग आउट, लॉग आउट कर देना शिखर अपना अकाउंट, शिखर ने अपना साइन अप कर दिया, ठीक है। अब मान के चलो किसी बंदे ने शिखर का वो यूआरएल चेक देख लिया है ना, वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, ट्राई करो ने कहा यहां पे पेस्ट करना जो कॉपी किया था, एंटर दो, देखो भाई ओपन हुआ कहीं, नहीं हुआ ना। अपने में क्या हो रहा है, अपने में क्या हो रहा है, हम लॉग आउट कर रहे हैं फिर भी हमारा एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, तो हमने कोई सिक्योरिटी थोड़ी लगाई अपने में अभी, समझा रहा है। तो इनके में सिक्योरिटी कहां से लग रही होगी, जब ये लॉग इन कर रहे होंगे टोकन जनरेट हो रहा है सारी चीजें, समझा रहा है, और कुकीज में जाके स्टोर हो रहा है। अब सेटिंग में चलो, अब दिखाता हूँ सेटिंग में चलना, वो तीन डॉट आ रहे हैं, तीन डॉट वो साइड में दिख रहे हैं तुम्हारे वाले में, तुम्हारे वाले में, हाँ कोई नहीं कोई नहीं। सेटिंग में चलो, सेटिंग पे क्लिक कर लो, सेटिंग पे अब यहाँ पे देखो कुकीज दिख रहा होगा तुम्हें कहीं, कैसे कुकीज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, क्लियर ब्राउजर कुकीज, इस पे क्लिक कर लो, नीचे आ जाओ, दिख रही है ऑल कुकीज, अब इनको कुकीज दिखा दो सारी, नीचे क्लिक करने का ऑप्शन आता है, ऊपर थोड़ा चलना, ऊपर चलो थोड़ा, ऑल लिखा ना ऑल, देखो यहीं पे नीचे एक ऑप्शन आता है जहां पे तुम्हारी सारी कुकीज स्टोर रहती हैं, नीचे देखो, हाँ इस पे क्लिक करना है, क्लियर कुकीज पे, नीचे आओ थोड़ा धीमे धीमे, हाँ नीचे आओ, नीचे नीचे आओ थोड़ा नीचे, और नीचे आओ, और नीचे आओ, जहाँ जी देखना सी ऑल, देखो सब लोग, ये देखो सब लोग, ये आपकी सारे कुकीज स्टोर, यहाँ सब दिखाया, देखो दिख रहा है सबके कुकीज, दिख रहा है ये टोकन सब, ये लॉगिन कर रखे, देखो ना ये सारे काम, देखो दिख रहा है सब लोग। तो जो हमारा वेबसाइट लॉगिन होती है ना उसकी कुकीज यहाँ जाके स्टोर हो जाती है, तो आप लिखते हो ना, आपने लिखा एफ ए, आपके आपने लिखा है फेसबुक, देखो दिख रहा है ये सारे कुकीज स्टोर है, सारे टोकन स्टोर है यहाँ पे, सबके होगा। तो जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसका टोकन हमारे हमारे ब्राउजर जाके स्टोर हो जाता है, ना हम लोग कुकीज स्टोर है ये, ऐसे ही काम हम करने वाले हैं। हम भी अब क्या करने वाले हैं कि हम जब लॉग इन करेंगे, लॉग इन करते टाइम पे एक टोकन जनरेट करेंगे और उसको कुकीज में स्टोर करेंगे। अगर ये कुकीज सब यहाँ से डिलीट कर देंगे ना तो इनका कोई भी लॉग इन नहीं होगा, अगर ये यहाँ से सब डिलीट कर देंगे ना, उड़ा देंगे ना जी, तो इनका कुछ भी लॉग इन नहीं होगा, फिर दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कोई डिलीट नहीं करता है। तो चलो अपने वाले काम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा है ना, देखो अब मान के चलो शिखर को बेर बेर लॉग इन करना पड़े, परेशान नहीं होगा शिखर, फायदा क्या फिर, है ना, मगर दूसरे ब्राउजर पे शिखर को लॉग इन करना पड़ेगा बेर बेर, ठीक है। तो हम भी यही काम करने वाले हैं, एक टोकन जनरेट करेंगे, उस टोकन को कुकीज में स्टोर करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया, इतना बताएं सब लोग। और जो टोकन स्टोर होगा ना वो हमारा किससे स्टोर होगा, की जो जो यूजर की आईडी होगी ना, जो एडमिन की आईडी होगी उससे, और एक सीक्रेट की से, उसी से हम एक टोकन बनाएंगे, उस टोकन को कुकीज में जाके स्टोर कर लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है लोकल होस्ट, अभी लोकल चला ना, देखो मैं दिखाता हूँ, ऊपर दिख रहा है लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ऊपर लोकल होस्ट लिखा है, देखो टॉप पे देखो,
माउस लेके जाना अपना नेक्स्ट शिखर, कहाँ चला गया ऊपर? हाँ इसमें दिख रहा है वो गोल गोल दिख रहा है आइकन, हाँ इस पर क्लिक करो। देखो सब लोग यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो तुम्हें वो नीचे दिख रहा है, देखो कुकीज नीचे, कुकीज नीचे, इस पर क्लिक करो और देखो लोकल लोकल उस पर क्लिक करो। तो अब देखो कुकीज पे क्लिक करो, कुकीज पे, कुकीज पे। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ कुकीज है अपनी कहीं, हमने अभी कुछ स्टोर नहीं करी यहाँ पे कोई टोकन वोकन है ना, और जब हम टोकन स्टोर करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा वो टोकन इसके अंदर, कुकीज के अंदर, ठीक है। तो चलो तो हम क्या करते हैं, एक जिससे हम क्या होगा टोकन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो हमें अपना एडमिन पैनल को सिक्योर करना है ना, लॉगिन को सिक्योर करना है, लॉगिन करने के बाद सारे एक्सेस हो, ठीक है, बहुत सारे काम चीज आती हैं। तो सबसे पहले हमें चलना होगा, एक पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन करो, जेसन वेब टोकन एनपीएम, ये सब लोग उसको इंस्टॉल कर ले, जेसन वेब टोकन एनपीएम, एनपीएम लगाना है इस पर, तो बाद में चेक करेंगे अपन टोकन, बैक करो एनपीएम लगा लो, एनपीएम लगा लो इस पर, तो बाद में चेक करवाऊंगा टोकन तुम्हारा मैं। हाँ यही यही जेसन वेब टोकन, इसको इंस्टॉल कर लो सब लोग जल्दी से। सब लोग इसको इंस्टॉल कर लें, एनपीएम जेसन वेब टोकन, एनपीएम आई, एनपीएम आई जेसन वेब टोकन, सिंपल एनपीएम आई जेसन वेब टोकन, और एडमिन कंट्रोलर जाके रिक्वायर कर लो उसको, एनपीएम लगाना, एनपीएम डॉलर नहीं आएगा, डॉलर तो लगा रखा है, डॉलर डाल दो आगे से उसके, एनपीएम आई जेसन वेब टोकन, एनपीएम आई जेसन वेब टोकन। और अब आ जाओ फ्रंट कंट्रोलर पे, फ्रंट कंट्रोलर पे आना है, हम उसी पे तो काम कर रहे हैं ना, टोकन वही जनरेट करेंगे, ऊपर चलो टॉप पे, फ्रंट कंट्रोलर पे सब टॉप पे आ जाए, और लगते कॉन्स्टेंट जेसन जेडब्ल्यू टी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मैं जेडब्ल्यू टी, ठीक है, रिक्वायर रिक्वायर जेसन वेब टोकन, फंक्शन साइन लगाओ, सिंगल कोट जेसन वेब टोकन, वो आ गया बस, सब रिक्वायर कर ले, शॉर्ट फॉर्म में जाता है जेडब्ल्यू टी। हम इससे क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, कर लिया सबने इतना काम, बताएं। यस सर, हाँ बाकी लोगों ने, चलो अब लॉगिन पे आ जाओ, नीचे लॉगिन वाले कोड पे आ जाओ, जहां पर लॉगिन किया था वहीं आ जाओ, चलो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, नीचे आ जाओ, नीचे हाँ इसी पे आ जाओ, लाइन नंबर 109 पे, 109, हाँ 109 के नीचे आ जाओ, कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे आ जाओ, कर्ली ब्रैकेट्स नीचे, ये तो काम करना होगा मैं अब, क्योंकि तो यहाँ सब कुछ चेक हो जाएगा, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा ना, वेरीफाई उसका ईमेल हो जाएगा, पासवर्ड चेक हो जाएगा, यहीं पे हम टोकन जनरेट कराएंगे उसका, ठीक है सब लोग, यहीं पे हम क्या करने वाले हैं, हम उसका टोकन जनरेट कराने वाले हैं, ठीक है, और कुकीज में उसको स्टोर करेंगे। तो चलो अब आओ जेसन वेब की टू वेबसाइट पे, वहां से हम कोड उठाते हैं एक लाइन का, नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ,
बस ये लाइन उठा लो, ये निकल के निकल गई टोकन वाली, ये वाली लाइन, बस एक लाइन, इसी से हमारा टोकन जनरेट होगा। आ जाओ, JWT याद रखना सब लोग, है ना, जेसन वेब टोकन होता है। चलो अब देखो यहाँ पे ये लाइन सब समझो, सब ये लाइन देखो, अभी कुछ करना नहीं है। तो जो लिखा ना F, देखो कांस्टेंट कर दो वेयर की जगह उसको, पहले तो वेयर कांस्टेंट कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 109 के नीचे आकर लिखो टोकन जनरेट, लाइन नंबर 109 के नीचे लिख दो तो कमेंट में टोकन जनरेट, इसे याद रहेगा ये कोड किसका है। 109 के नीचे कमेंट करके लिख लो सब लोग टोकन जनरेट। हाँ लिख लिया। तो अब सब देखो यहां पे, हमने अब लगा JWT डॉट साइन और उसके अंदर करली ब्रैकेट में लिखा है FOO, ठीक है, जो तो एक वेरिएबल है सिंपल। अब हमें यहां पे FOO की जगह क्या लिखना है कि हम टोकन किसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहां पे लिख देते हैं, लिखो उसके अंदर, लिखो FOO उठा दो, हम लिख दो यूजर आईडी, कुछ लिख लो, एडमिन आईडी कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर आईडी है ना, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस यूजर आईडी में हम क्या स्टोर करेंगे, जो एडमिन की आईडी होगी, यूजर, मैं आपको ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऐसा सिखा रहा हूं कि आप अगले प्रोजेक्ट में जब यूजर का काम करोगे तो वहां पर सारा कोड चलेगा ये, ठीक है ना। आप जो लिखा ना VAR, ये टाओ यहां से लिखा हुआ, और यहां पे लिखो एडमिन डॉट सिंगल कोड डालो, सिंगल कोड डाल दो, सिंगल कोड भी नहीं आएगा, एडमिन डॉट अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी। अब जी कहां से आ गया एडमिन, कहां से आ रहा है, लिख रहा है सबको 106 पे, सब लोग 106 पे क्या लिखा है एडमिन, इस एडमिन में क्या आ रहा होगा, जो बंदा लॉग इन कर रहा है उसकी डेटा आउट क्या आ रहा होगा ना, तो मुझे आईडी मिल जाएगी ना उसकी एडमिन डॉट अंडरस्कोर आईडी में, और उसकी जो आईडी मिलेगी वो हम किस में रख देंगे, यूजर अंडरस्कोर आईडी में रख देंगे अपन, ठीक है। यूजर नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन यहाँ पे, एडमिन डॉट अंडर स्कोर आई डी में जो आई डी मिलेगी वो अपन किस में रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट साइन लगा हुआ है ना, ठीक है। अब जो लिखा है SHH, ये होता है सीक्रेट की, ठीक है, यहां पे नाम डाल दो कुछ भी, नाम डाल देना SS की जगह पर, शिखर जो लिखा है ना SHH, यहां पे लिख दो शिखर, पूरा नाम डाल दो, 1 2 3 कुछ डाल दो, सीक्रेट की कुछ भी डाल सकते हो, थोड़ा बड़ा डाल दो, बड़े सी सीक्रेट की सीक्रेट, TCS प्लेसमेंट निंजा ऐसे कुछ भी लिख दो, जो तो मन करे 1 2 3 4 5 नंबर से डालो सीक्रेट की। अभी आगे चल के सीक्रेट की को सिक्योर भी करेंगे, है ना, बस ठीक है, 1 2 3 कर दो। हाँ तो देखो, अब हमें हमने क्या बोला था कि हम टोकन किससे जनरेट करेंगे, एक यूजर की आईडी से और एक सीक्रेट की से। तो जो यूजर की जो आईडी आ रही थी एडमिन डॉट अंडरस्कोर आईडी में, वो हमने कहाँ रख ली, यूजर अंडरस्कोर आईडी में, ठीक है, समझ आ गया ना, ये आईडी कर दो सिंपल, सिंपल आईडी कर दो, इससे कंफ्यूजन ना हो लोग, सिंपल आईडी कर दो उसको, सिंपल आईडी कर दो, ठीक है, हमने इसमें रख ली, ठीक है, और सीक्रेट की। अब इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, हमारा एक टोकन बनेगा, वो जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, टोकन वाले में। अब कंसोल करो नीचे आकर, इसके कंसोल करो नीचे, सीखे कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिखो टोकन, तो भी आपको एक बड़ा सा टोकन मिलेगा, देखना भी, और फिर उस टोकन को चेक करेंगे अपन, लॉग इन ऑप्शन को टोकन। हाँ अब चलो लॉग इन करो, अब लॉग इन करो, चल के रिफ्रेश कर लो एक बार, और तुम्हें कंसोल में देखो दिखेगा भाई टोकन जाओ कंसोल जाके चेक करो, नीचे आओ, कहाँ गया, सब देखो ये आ गया, सब देखो नीचे दिख रहा है टोकन, जो कॉपी करो पूरा, ये देखो सब लोग एक टोकन जनरेट हो गया, ये कॉपी करो। अब ये टोकन किससे बना, जिस बंदे ने लॉग इन किया है ना उसकी आईडी और सीक्रेट आईडी से, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दे नीचे, देखो कितना बड़ा टोकन बना, देखो सब लोग कितना बड़ा टोकन है, देखो आप लोग, देख रहे आप लोगों को। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस टोकन को जब मैं चेक कराता हूं आपको, तो जिस बंदे ने लॉग इन किया होगा ना उसी की आईडी आपको मिलेगी, ठीक है। चलो तो एक वेबसाइट पे चलो, जेसन वेब टोकन पे, एक खुला वेबसाइट जेसन वेब टोकन, सिंपल सी नीचे वाली, हाँ नीचे वाली, ये एक वेबसाइट होती है जहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ पेस्ट करो, अब सब यहाँ देखो नीचे आओ और यहाँ पेस्ट कर दो, जी हटा देना पूरा, यहाँ पे टोकन पेस्ट करो। हाँ देखो नीचे आईडी आ गई, नीचे देखो आईडी आ रही है,
जे आई डी देखो आ रही है। अब जे आई डी चेक करना किसकी है ना, जाकर चेक करो मोंगडीवी में, डीई देख लो सब लोग, ये इसकी आईडी थी, देखा यार राम की, इसी से लॉगिन किया था। बाकी लोग देख सकते हो है ना, मैंने क्या बोला था, हम टोकन किससे बना रहे हैं, जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसकी आईडी और सीक्रेट की से। तो जब टोकन बन गया तो मैंने आपको चेक भी करा दी हल्के हल्के, यहां पर देख लो यूजर की आईडी आ रही कि नहीं आ रही, समझ आ रहा है सबको। यस सर। सर मैं नेम से अगर बनाऊंगा तो मैं नेम शो होने लगेगा ना, किससे हाँ जैसे सर मैं आप मैंने आईडी दे रखी है ना अभी, तो एडमिन आईडी दे रखी है, तो मैं अगर इस यहाँ पे नेम शो कर दूँ नेम नेम से शो होने लगेगा उधर। अच्छा पर नेम यूनिक नहीं होगा ना फिर, वो तो ठीक, यूनिक नहीं होगा ना वो। चलो ओके, ये टोकन है वो यूनिक रहेगा ना। चलो अब इनको देखो, आप लोग इतना ट्राई करो, एक समझ में आया टोकन कैसे जनरेट होता है। अब इस टोकन को अपन क्या करेंगे, कुकीज में स्टोर करेंगे अभी, चेक काम किया था, बोल देगा ना वो दिखा दे एक रहे मिनट चेक सर। कहाँ किया था। चलो आ जाओ, अब क्या करना होगा, मैं टोकन को कुकीज में स्टोर करना होगा। तो अब कंसोल कमेंट कर लो, अब लिखो res डॉट, लिखो सी नीचे कंसोल नीचे res डॉट, नहीं उसी टोकन res डॉट कुकी, res डॉट कुकी ki, और फंक्शन का s नहीं आएगा, खुद की आएगा, s नहीं आएगा, फंक्शन का साइन सिंगल कोट, सिंगल कोट लगाओ, लिखो टोकन, टोकन और सिंगल कोट के बाहर टोकन, टोकन कॉमा लगा दो, कॉमा आएगा, कॉमा कॉमा, ठीक है बस। अब देखो हमने टोकन को किसमें स्टोर कर लिया, टोकन के अंदर ही, ठीक है समझ आ गया। अब यहां से टोकन कहां जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे ब्राउजर में, अभी दिखाता हूं। चलो सेव करो, फिर से लॉगिन करो, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना है ना। अब लॉगिन करो, अब जाके चेक करो ऊपर टोकन में, जाके चेक करो मैं ब्राउजर के ऊपर, कुकीज पे आओ, देखो 5 आ रहा है ना, 5 आ गया, वो लोकल होस्ट पे आओ, कुकीज में आओ, देखो आ गया टोकन, इस पे क्लिक करो, ये देखो जाएगा टोकन नीचे, सबको दिख रहा है टोकन, देखो जाके स्टोर हो गया पूरा टोकन, इसे बाकी स्टोर होते हैं ना, और डेट टाइम सब आ रहा है, इसे हमने स्टोर कर लिया। इनको भी दिखाओ, और फिर हम क्या करेंगे, इस टोकन को गेट करेंगे, आप लोग भी करें जल्दी कम जल्दी से, तो चेक करें सबका टोकन उठ के आ गया। बाकी लोग रिप्लाई तो करो भाई।